चिल्लर है, चिल्लर किसी के पास, चिल्लर 1 रुपया 2 रुपया जो जल्दी निकालेगा उसका लूंगा। सुनील बाबू दे दो, दोनों ही दे दो। वाह गुड, थैंक यू सर, बैठिए। बहुत बार, कई सालों से जब से आप बिजनेस में है ना, तो चिल्लरों की साहब कई बार देख लिया आपने। जब मैं विजन की बात करता था तो मैं कहता था 1000 रुपये पर डे और 1 पैसा, अरे टुच्ची थे वो, आज है माल असली। आप में से कौन लोग हैं जो आज पहली बार ट्रेनिंग में है, फर्स्ट टाइम? मतलब वैसे तो DTC हैं तो आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे इस तरीके की होटल में इतने बड़े प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए। ओके चलिए, 5-6 लोग हैं, मेरे को आपसे सवाल पूछना है। दो तरीके के ऑप्शन हैं, 30 लाख रुपए मैं आपको एक साथ दे दूं अभी, 30 लाख रुपए, समझ रहे, 30 लाख रुपए, या तो 30 लाख रुपए ले लो, या 1 तारीख से 31 तारीख तक 1 रुपया, फिर दूसरे दिन 2 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 16 रुपया, फिर 32 रुपया। आप बताइए मैडम, 30 लाख एक तरफ है और 1 तारीख से 31 तारीख तक 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 31 तारीख तक, ये दूसरी तरफ है। आप बताइए कौन सा उठाएंगे? हैं? ओके आप बताइए, पूछो मत पड़ोसी से। आप 1 रुपया। इन 6 लोगों ने 30 लाख के ठोकर मारी है अभी अभी, तो आप मुझे ये बताइए, आपको ये लगता है कि ये 30 लाख से ज्यादा होगा? राइट तो कितना ज्यादा होगा, ये सवाल पूछने के लिए खड़ा किया है। आपका अनुमान क्या कहता है कितना ज्यादा होगा, जल्दी बताओ सर। 30 लाख के ठोकर मारी है तो 29 लाख तो वो है नहीं, वो 30 से तो ऊपर, जल्दी बताइए अनुमान, कोई फेल पास वाली बात नहीं है। 40 लाख के आसपास होना चाहिए मैडम, 40 के आसपास मैडम, 60 के आसपास, वेरी गुड मैडम, करोड़ भी हो सकता है, वेरी गुड, करोड़ भी हो सकता है। बैठे एक बार, खड़े रहिए ना प्लीज। ओ माय गॉड, मतलब हो सकता है, या मतलब आपको अनुमान कितना लगता है? 1 रुपया है, वाओ। आप आगे आ जाइए, आप लोग वहीं से देखिए, खड़े रहिए, आप यहाँ आ जाइए, चालू करते हैं। पहले दिन एक आदमी के पास 30 लाख रुपए है और दूसरे के पास 1 रुपया, तो दुनिया गालियां किसको देगी? साले बेवकूफ, 1 रुपया लेके फैल रहा है तू, वो 30 लाख रुपए लेके बैठा है, तेरा दिमाग खराब है? फिर वो कहेंगे 10वें दिन उसके पास 30 लाख है और उसके पास 1024। अभी भी आप में से कोई बदलना चाहता है तो पूरा ऑप्शन है, DTC एंड अबव तो ये बदल तो नहीं पाएंगे, भारी लोग हैं। लेकिन गालियां किसको पड़ेगी आज भी? 1 रुपए वाले को। 15वें दिन 30 लाख और वो 32,000 रुपए, जिंदगी ऐसी चौंकाएगी जो अभी चौंका रही है संग्राम जी। अभी 32,000 रुपए 15 दिन खत्म हो गए, पूरी दुनिया गालियां देती है आपको, 1 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष हो गया, पड़ोसी गाली दे रहा है, माता पिता ही कह रहे हैं तेरा कब होगा कल्याण, अरे तेरा कब होगा, अरे सबका हो गया तेरे साले, दुनिया देख कहाँ, ये और कहती वो देख कहाँ पहुंच गया, वो देख कहाँ पहुंच गई, वो देख तू, और 32,000। और 20वें दिन 10,48,000, 20वां दिन आ गया और वो 30 लाख पे खड़ा है। 20 दिन बीत जाए तब तो बड़े बड़े का धैर्य टूट जाए कि तू कर क्या रहा है, समझता क्यों नहीं है। लेकिन 31वें दिन क्या होता है आप बताओ, कितना है? 1 करोड़ 73 लाख। आप बताओ मैडम, ऐसे फाइल सपोर्ट नहीं करी ना पहले। 10 करोड़ वाले कितने आ गई फाइल, सॉफ्टवेयर में फिट हुई फाइल? मैं हरीश जी, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या जिंदगी में क्या निचोड़ेंगे, क्या नहाएंगे? 1 पैसे के चक्कर में 1 करोड़ पे रह जाते थे। कंपाउंडिंग का काम ही तब होता है जब वर्ष गुजर जाते हैं रे। 107 करोड़। अब जिस दिन 107 होते हैं, या तो तब तक ये निपट जाता है, ये रहता ही नहीं है। बैठिए भाई साहब, थैंक यू, बैठिए मैडम, बैठिए सब लोग, थैंक यू। 107 करोड़ होने तक ये निपट जाते हैं, 99% लोगों का विश्वास टूट जाता है।
99% लोगों का, लेकिन 107 एक रुपया है ये। हमने जिंदगी में तीन चीजों को साथ नहीं लिया कभी। पहली, हमने छोटे स्मार्ट डिसीजन नहीं लिए। पहली बात, छोटे स्मार्ट डिसीजन। छोटा और स्मार्ट डिसीजन आपको बोलना आना चाहिए, छोटा और स्मार्ट डिसीजन है आपको पढ़ना चाहिए, छोटा और स्मार्ट डिसीजन है आपको अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, आपका छोटा और स्मार्ट डिसीजन है कि डेली मुझे प्लान दिखाना चाहिए, आपका छोटा स्मार्ट डिसीजन है कि मुझे तीन लोगों के सामने बोलना चाहिए। हम जिस दिन पांच लोगों की मीटिंग आपको करने का मौका मिल रहा है और उस दिन अपलाइन को बुला रहे हैं और अपलाइन नहीं आ रहा तो उसको गालियां और दे रहे हैं उस दिन, अरे वो गालियां अपनी किस्मत से खाएगा। तुम तो जश्न मनाओ, क्योंकि आज अगर तुमने पांच लोगों के सामने बात कर ली और ये निरंतर हो गया, और अगर ये समय के साथ कंपाउंड हो गया, कंपाउंड कंपाउंड। मुझे इतना रस आ रहा था 15 दिन से, क्योंकि सच बताऊं जब मैं स्टडी कर रहा था ना, तब मैंने जो जो जिंदगी की चीजें छोटे छोटे काम किए थे ना, वो जब कंपाउंड हुए, उनकी चमक भी नहीं तो रोशनी की किरण जब नजर आई, तो मैं समझ गया रे काम खतरनाक होने वाला है। आपको और हमें जिंदगी के छोटे निर्णयों को कंपाउंड करने का समय आ गया। ये चिल्लरों का प्रभाव है, द मैजिक पेनी। ये किनके हैं भैया, या गुरु दक्षिणा समझ के रख लो। टेंशन तो हो रही है ना आपको, टेंशन ही चाहिए, टेंशन ही चाहिए। सोचो आज आप फ्लैशबैक में जाओ लाइफ के 30 साल 40 साल, माउरी जी बैक में जाओ, सोचो कौन सी छोटी सी चीज थी साली, हमने तो उसको इग्नोर कर दी, आज कंपाउंड हो गई। कौन सी छोटी सी चीज थी और वो होनी चाहिए थी कंपाउंड, हमने उस दिन नहीं की और वो कंपाउंड नहीं हुई और जिंदगी नहीं बदली। आपका स्वभाव कंपाउंड होता है, आपका व्यवहार कंपाउंड होता है, आपका हाल चाल खान पीन सब कुछ जिंदगी में कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल, तीन दोस्त थे, सुरेश महेश दिनेश, ऐसा मानो आप। ये तीन दोस्त अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया, इन्होंने 20 साल साथ गुजारे, 25 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, और शादी के बाद इन्होंने कहा अब जिंदगी को यार अलग अंदाज से जिएंगे, अब जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। 25 वर्ष की उम्र में तीन दोस्तों ने निर्णय लिया अलग अलग। पहले दोस्त ने निर्णय लिया, अब यार मैं रोज 100-125 कैलोरी कम खाऊंगा। सुनना राजेश जी, 100-125 कैलोरी कम खाऊंगा। 100-125 कैलोरी कम खाऊंगा का मतलब समझते हो, कितना सा कम खाया, 100-125 कैलोरी, चौथाई आधी रोटी लगभग इतना सा। तो पूरे दिन में जो ठूस ठास के हम 10,000 कैलोरी खींच जाते हैं, वो कह रहे हैं 101 कैलोरी कम। हम जिंदगी में पता है क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, आपको पता है करोड़ों लोग 7 दिन में जिम जाना छोड़ दें, 7 दिन में, पता क्यों, फर्क ही नहीं पड़ा। करोड़ों लोग पूरा पैसा देके श्रवण जी क्यों जिम छोड़ते हैं, फर्क ही नहीं पड़ा। 7 दिन में फर्क चाहिए, और जिंदगी तो कहती है नहीं समय लगेगा। ये तीन दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा रोज थोड़ा सा कुछ पन्ने किताब के पढ़ूंगा और कुछ कैलोरी वजन कम करूंगा, एक दोस्त। दूसरा दोस्त कहता है कि मैं जिंदगी को बिंदास जीऊंगा, जिंदगी को बिंदास जीऊंगा, मतलब जो मन करेगा खाऊंगा, जो मन करेगा पीऊंगा, जिंदगी जैसी चलेगी आनंद लूंगा, गुड। तीसरा दोस्त कहता है भाई मैं जैसी चल रही है वैसी मेरी ठीक है। ये बातें तीनों के लिए आज के दिन कितनी कॉमन है, कितनी कॉमन है, ये रिलैक्स है, ऐसे ही कहते हैं ना अपन तीन दोस्त बैठे बैठे, एक क्या कह देता है, दूसरा क्या कह देता है, तीसरा का ये नहीं पता कंपाउंड होके क्या होगा, कंपाउंड होके क्या होगा, कंपाउंड होके होगा महीनों तक तीनों साथ दिखेंगे, महीनों तक तीनों साथ दिखेंगे, लेकिन जब 27 महीनों बाद इन IIT के तीनों लड़कों का रिजल्ट घोषित किया, 27 महीनों के बाद वो लड़का अपना बहुत 33 किलो के आसपास वजन कम कर चुका था, बहुत फिट एंड फाइन था, और ये नीचे की तरफ जो गया ये लगभग 20-30 किलो वजन गेन कर चुका था, लॉस में था जिंदगी का, तकलीफों में था, और वो लगभग कितनी ही किताबें पढ़ चुका था, उस किताबें पढ़ चुका था, नॉट ओनली पन्ने, जो पन्नों से चालू किया उसने जिंदगी में अच्छी किताबें पढ़ ली थी, और ये बीच वाले की लाइफ में आज भी ये सीधा ही जा रहा था।
आप सोचो कितने लोगों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया होगा, शुरू वाले सारे एक साथ लगते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद जाने के बाद ये गैप और ये गैप आता है। प्रकृति को दोष नहीं देना, ये कंपाउंडिंग क्या होकर ये ऊपर गया और ये क्या कंपाउंडिंग होकर नीचे गया और ये क्या कंपाउंडिंग होकर सीधा चलता जा रहा है, ये चेक तो करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। वो कौन सी चीजें हैं जो जिंदगी से अलग हो रही है? एक हवाई जहाज है, बेंगलोर से रवाना हुआ जितेंद्र जी, और जाना है उसको चंडीगढ़, तो ऐसी लाइन बनती है गोपाल जी, सिंपल है। बेंगलोर से जो फ्लाइट चलती है ना, वो नाक की सीध में चंडीगढ़ उतरती है, नाक की सीध में। अब ये इतना सा और एक डिग्री इधर कर दें तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? अब आज तो बताओगे आप, क्योंकि अब भूमिका तैयार हो गई है, अब आप जिंदगी का दृश्य, पहले तो आप सब लोग बदल ही चुके हो, लगभग लगभग सब लोग आप सोचने के डायरेक्शन में नए आयाम खड़े कर चुके हो आज के बाद। अब देखो रिजल्ट साहिल जी, इस हवाई जहाज को एक डिग्री, 360 में से एक का क्या क्या लगता है? अगर ये जहाज ने एक डिग्री लेफ्ट घूमने का डिसीजन लिया तो 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर तक दोनों हवाई जहाज साथ चलते हैं मार साहब, साथ 2000 किलोमीटर तक साथ चलते हैं, लेकिन लैंडिंग होती है उसकी पाकिस्तान में। लैंडिंग पाकिस्तान में, ओम जी पाकिस्तान, एक डिग्री, 360 डिग्री में से। हम कहते ना एक डिग्री से क्या फर्क पड़ेगा, हम कहते हैं ना एक चाय और पी ले, अब इतनी पी ली तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे इतनी सिगरेट पी ली तो भी इस एक से ही थोड़ी मरेगा, अरे वो ये कि मरेगी, साले पूरी दुनिया उल्टी की तरफ लेके जाती है, अब इस एक से थोड़ी कुछ होगा। एक डिग्री से कितना होगा थोड़ा कल्पना तो करो, थोड़ा देखो तो सही जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। दरअसल ये जो नक्शा है ना, ये नक्शा, इसको थोड़ी लंबाई चाहिए थी तब ये डायरेक्शन। आपको ज्यादा लग रहा है ये डिग्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एग्जैक्ट आप 3000 किलोमीटर की दूरी को एक डिग्री पर रखते हैं तो दोनों हवाई जहाज दिल्ली तक साथ चलते हैं, तो दिल्ली के बाद जो डायरेक्शन बदलता है ये है कंपाउंडिंग। दीपक जी कंपाउंडिंग, जिंदगी की कौन सी चीज कब कंपाउंडिंग हो जाए, ये बात का एहसास करना होगा आज हमें। सारे दिन अब तक क्या पाया और क्या खोया, उसका कारण है कंपाउंडिंग, कंपाउंड इफेक्ट। प्रकृति में बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, जिसने जीवन की दिशाएं बदलनी है उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, और जिसने जिंदगी को जाना नहीं उसने नेगेटिव ले लिया। और एक जहाज की एक डिग्री चंडीगढ़ से अगर पाकिस्तान उतार सकती है तो जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है और जिंदगी को जबरदस्त चमन भी कर सकती है। डिसीजन आपका है।